वासुदेव कुटुंबकम। मैं गुरप्रीत सिंह बत्रा आप सभी का स्वागत करता है हमारे YouTube चैनल GSB फिट में। आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैरासिटामोल के बारे में। जी हाँ, पैरासिटामोल बहुत ही कॉमन दवा है, हिंदुस्तान हो पूरा एशिया जो है इसको इस नाम से जानता है इस दवा को। ये दवा काम कैसे करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं, कैसे क्या कब, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इस दवा का जो आविष्कार है वो 1878 में हो गया था। जी हाँ, 1878 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बुद्धिजीवी थे, जिनका नाम एच एन मॉर्स था, जिन्होंने 1878 के अंदर इस दवा को, इस ड्रग को इन्वेंट कर दिया था कि भैया दवा है जो कि पेन हो, फीवर हो, जिसमें ये दवा इस्तेमाल होती है। एंटीबायोटिक इफेक्ट्स हैं इसके, फीवर कम कर देती है, दर्द कम करती है, तो इस पर्पज के लिए इसका आविष्कार कर दिया गया था। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जानने लायक बात है, वो क्या है, क्या ये दवा का जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है क्या हमें पता है? मुझे पता है, मैं PhD का छात्र हूं, क्या मुझे पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की, उसे पता है? उसे भी नहीं पता। भाई सोचने वाली बात है ये तो, मुझे भी नहीं पता, FDA को भी नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता, सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं जो चलती आ रही हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो किसी को नहीं पता। दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। जी हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अलग थ्योरी से कोई कहता है कि एक थ्योरी है जिसके अंदर कहा गया है कि ये जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं, जो कि इन्फ्लामेशन जो हो सिग्नलिंग देते हैं हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उनका काम कर उनको ब्लॉक करती है, एंटागनिस्ट काम करती है किसके ऊपर, आपके कॉक्स एंजाइम्स के ऊपर। उसके अलावा फीवर काम करती है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है नहीं पता, कैसे काम करती है, थ्योरीज हैं अलग अलग, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता। जी हाँ, इसको आप चाहें तो FDA की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बावजूद ये मेडिसिन ली जाती है। इसकी हाफ लाइफ क्या है, इस मेडिसिन की जो हाफ लाइफ है वो है 1.5 टू 2.5 आवर्स, डेढ़ घंटे से ढाई घंटे के बीच की इसकी हाफ लाइफ है अप्रोक्सीमेटली। इसकी जो स्टोरेज है, इस दवा को स्टोर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से कम पे इसको स्टोर करना होता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है भैया, हमारे देश में तो मैंने कभी देखा नहीं आज तक होते हुए। अब अगर हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर स्टोर ना करें तो क्या होगा, दवा का शुरू होता है डिसइंटीग्रेशन, डिग्रेडेशन। दवा जो होती है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, उसकी जो एफिशिएंसी है, दवा की जो पोटेंसी है, वो धीरे धीरे डिग्रेड, डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना ये, क्यों खाई 500 mg, लगी कितनी 250 mg। खाई कितनी 500 mg, कितनी लगी 250 mg। इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। अब बात करते हैं कि इस दवा की जो डोजेज है, जो कि चिकित्सक जो होते हैं जो देते हैं अपने मरीजों को, जो रोगी हैं, अगर कोई अडल्ट है उसको 1000 mg per dose या दिन भर में 4000 mg तक उसको दी जाती है, 1000 mg per dose या दिन भर में 4000 mg तक उसको दी जाती है। बच्चा है, छोटा बच्चा है जो कि 1 महीने से कम है, उसको ओरली या रेक्टल में, सीधा एनस में इंजेक्ट कर दी जाती है, डाल दी जाती है थ्रू द एपरेटस। उसको अगर डोज दी जाती है तो 10 से 15 mg per kilogram per dose, जी हाँ 10 से 15 mg per kilogram per dose उसको दी जाती है हर 6 से 8 घंटे के अंदर। 1 महीने से बड़ा बच्चा है, 1 महीने से 12 साल तक का बच्चा है, 10 से 15 mg per kilogram per dose 4 से 6 घंटे के अंदर उसको दी जाती है। अब 12 साल से कोई ऊपर है उसको 1000 mg दी जाती है हर 6 से 8 घंटे के अंदर। तो इस प्रकार से इस जो दवा का सेवन किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? नौजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन तो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन आप जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो, आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोग जो इस गोली को खाते हैं टॉफी की तरह, दर्द हुआ खप मुंह में। इस प्रकार से इस दवा का सेवन किया जाता है हमारे हिंदुस्तान में हर घर के अंदर। अब माफी चाहूंगा अगर मैंने गलत बोल दिया हो, लेकिन जो मैं दिखता है आसपास हमारे घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं, जो बाहर मजदूर हैं, दर्द हुआ खप मुंह में, कुछ भी हुआ ले लेते हैं। अरे भैया, इस दवा का अगर क्रॉनिक यूसेज किया जाएगा तो आपका हेमोग्लोबिन कम कर देती है, लिवर में तकलीफ दे देती है,
इसके साथ साथ किडनी की दिक्कत देती है, आपके बॉडी में ड्रग की जो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वो हो सकता है। तो इस दवा को सोच समझ के खाइए। अगर आपको लीवर की तकलीफ है, लीवर सिरोसिस है, किडनी की दिक्कत है, हेमोग्लोबिन कम है, तो इस दवा का सेवन मत कीजिए। लेकिन अगेन दुर्भाग्यपूर्ण बात, हमारे हिंदुस्तान में कोई चिकित्सक जब किसी को ये दवा देता है, जब ये गोली है पैरासिटामोल का जब दिया जाता है, तब उससे उसके लिवर डायग्नोसिस नहीं किया जाता, किडनी डायग्नोसिस नहीं किया जाता, उसका सीबीसी नहीं किया जाता, दवा दर्द हुआ खा लो बिना किसी डायग्नोसिस के। तो ये काम कर रही है ऐसे। अगर हम उससे पूछेंगे इसके ऑल्टरनेट क्या हैं, अरे भाई जो आपके दादा थे, परदादा थे, जो और बुजुर्ग थे, जो हमारे वेद हैं, अगर आप वेदों को पढ़ें, जो हमारे वेद हैं, वेदों में क्या लिखा है, कहां पे इन दवा का वर्णन हुआ है, मुझे बताइए आप। हम बात करते हैं हल्दी की, हम बात करते हैं जीरा की, हम बात करते हैं देसी घी की, हम बात करते हैं नारियल तेल की। अरे भैया इनसे अच्छी भी दवाई नहीं है। जी हाँ, ये है हमारी जीएसबीपैथी। जीएसबीपैथी बोलती है लेट फूड बी योर मेडिसिन, अपने खान पान को बनाइए अपनी दवा। कभी सुना है किसी से कि मैंने नारियल पानी पिया मुझे उसका साइड इफेक्ट हो गया? कभी होगा ही नहीं। इतना उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है दुनिया के अंदर। तो यह है तरीका इन दवा से बचने का। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मेरा जो वीडियो बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कभी रफ है, कभी सॉफ्ट है, लेकिन मिक्स करता हूं ताकि मेरी ऑडियंस को मेरी बात समझ में आ पाए। प्लीज ऐसे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों ना भूलिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे जो नोटिफिकेशन है अच्छे अच्छे वीडियोस के, वो आप मिस कर जाएंगे। अब मेरे हृदय की गहराइयों से आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने समय निकाला मेरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।